गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। जसपुर से इस वक्त की बड़ी वारदात सामने आई है। लकड़ी ड्रिल करने वाले औजार से छेद दिया गला, दरवाजे पर युवक की खून से लथपथ लाश मिली। टेंट हाउस में करता था काम। जसपुर जिले में एक व्यक्ति की लकड़ी ड्रिल करने वाले औजार से गला छेद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मंगलवार को उस वक्त हुई जब मृतक की मां ने बेटे के शव को लहूलुहान हालत में घर के बाहर देखा। उसने तुरंत परिजनों को बुलाया। इसके बाद पुलिस को इस हत्या की सूचना दी गई। मामला सिटी कोतवाली जसपुर के बटोली मोहल्ले का है। एसपीडी रविशंकर ने बताया कि मृतक युवक का नाम आशीष भगत था। वह टेंट हाउस में मजदूरी करता था। उन्होंने कहा कि शव के गले पर छेद करने के निशान हैं। पास में ही लकड़ी ड्रिल करने का औजार भी मिला है, जिससे वारदात को अंजाम दिया गया है। शव खून से लथपथ हालत में मिला है। एसपी ने बताया कि घटना स्थल पर मिले सबूत के आधार पर ऐसा लग रहा है कि आरोपी ने युवक पर घर के अंदर हमला किया है। हैरानी की बात यह है कि मृतक का शव घर से बाहर एक कंबल में रखा हुआ बरामद हुआ है। वहीं मृतक आशीष की मां ने बताया कि उसने अपने बेटे को सोमवार की रात लगभग 8 बजे देखा था। उस वक्त वह शराब के नशे में धुत था और उससे झगड़ा कर रहा था, जिसके बाद वह बेटे को उसी हालत में छोड़कर दूसरे घर में सोने के लिए चली गई थी। दूसरे दिन जब वह लौटी तो आशीष को दरवाजे के बाहर गिरे हुए देखा। पास जाने पर पता चला कि उसकी हत्या हो गई है और वह बुरी तरह से लहूलुहान है। इसकी सूचना उसने परिजनों और पड़ोसियों को दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वही जांच में पुलिस डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद भी ले रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया है। परिवार वालों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या किसी जान पहचान के व्यक्ति द्वारा अंजाम दिए जाने की आशंका है। मृतक आशीष भगत दो बहनों का इकलौता भाई था। मृतक की मां मुन्नी देवी ने बताया कि आशीष उन लोगों से अलग सब्जी की बाड़ी में बने दो कमरे के कच्चे मकान में रहता था। आसपास दूसरा घर नहीं होने की वजह से किसी को हत्या की जानकारी नहीं हो पाई है। आशीष की शादी अभी तक नहीं हुई थी।